गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे लेक्चर नंबर 7। नाउ फ्रेंड्स, आप लास्ट लेक्चर की अंदर थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल विच आर एप्लाइंग इन द मेटलर्जी, बराबर बदा ज थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के रीते एप्लाय करवाना आपणे समझी लीधुं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एनु रिडक्शन करवा माटे how you can reduce, it means the choice of the reducing agent, choice of the temperature, right? How it is done by Ellingham figure, ye pan tame samjya, Ellingham figure pramane apne kevo reduction karta ni choice karvi, temperature ketlu maintain karu ki jethi tamari reaction che thai, ki badhu j apne thermodynamic principle ma clear karu। अपने लास्ट टाइम में आयन ऑक्साइड माथी आयन नो रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड माथी कॉपर नो रिडक्शन एंड जिंक ऑक्साइड माथी जिंक नो रिडक्शन, अपने त्रणे त्रण टाइप ना रिडक्शन तमे समझी लीधा। बट फ्रेंड्स, ए रिडक्शन में शू हतु कि ए रिडक्शन नी अंदर जे ऑक्साइड फॉर्म हतु, ऑक्साइड फॉर्म हतु इट इज इन अ सॉलिड, ऑक्साइड फॉर्म हतु ए सॉलिड फॉर्म में, इट मीन्स के आपणो जे ऑक्साइड हतो ए सॉलिड फॉर्म में हतो एंड सॉलिड फॉर्म ना ऑक्साइड नो आपणे मेटल में रिडक्शन करता था। तो ये जारे सॉलिड फॉर्म में हतो एंड एनु जारे तमे मेटल नी अंदर रिडक्शन करता था, ये वक्त थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल से एप्लाय करवा, क्या प्रिंसिपल? थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल एप्लाय करवा। बट समटाइम एवं बन से कि अपनी मेटल है, ये मेटल है ये आइधर इना मोल्टन फॉर्म और इना सॉल्यूशन फॉर्म, समझी लो मेटल छे ए आइधर मोल्टन फॉर्म में हो अथवा तो सॉल्यूशन फॉर्म में हो अने एनु रिडक्शन तमारे करवानुं छे, देन तो पछी थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल डज नॉट, ओनली थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल डज नॉट यूजफुल। तो ए वक्त तमारे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल पण एप्लाय करवा पड़शे, इट मीन्स कि बने थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल बने प्रिंसिपल नू कॉम्बिनेशन करी अने आपणे सॉल्यूशन अथवा तो मोल्टन फॉर्म में जो आपणी ओर होय तो एनु रिडक्शन आपणे करी शकीए। तो हाउ टू यूज आ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल फॉर द रिडक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और इट्स मोल्टन फॉर्म, ये तमारे आजे कम्पलसरी समझवानुं छे। तो फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी हाउ इट इज यूज, हाउ इट इज यूजफुल टू डिराइव आ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ये आपने खास समझवा। क्वेश्चन तमने शॉर्ट में पूछा है कि डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी विथ एक्जाम्पल, तो आपने एना एक्जाम्पल साथ तमने समझा। नाउ फ्रेंड, जो दीज प्रिंसिपल आर इफेक्टिव इन द रिडक्शन ऑफ द मेटल आयन इन अ सॉल्यूशन और इन अ मोल्टन स्टेट। જ્યારે આપણી મેટલ આયન છે એ સોલ્યુશન ફોર્મમાં હોય અથવા તો મોલ્ટન ફોર્મમાં હોય, ધેન એન્ડ ધેન ધીસ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ્સ આર યુઝફુલ, રાઈટ? તો જ આપણે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ છે ને એપ્લાય કરી શકીએ, એ વખતે ઓનલી થર્મોડાયનેમિક પ્રિન્સિપલ એ એમાં કામમાં આવશે। તો ચાલો, હાઉ ઇટ ઇઝ યુઝફુલ? તો ફ્રેન્ડ, જુઓ, હિયર દે આર રિડ્યુસ બાય ઇલેક્ટ્રોલિસિસ ઓર બાય એડિંગ સમ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ્સ। અહીં આપણી મોલ્ટન ફોર્મમાં જે તમારી મેટલ છે એ મેટલ છે, એ મેટલનું રિડક્શન કરવું હોય તો આઈધર તમારે એનું ઇલેક્ટ્રોલિસિસ કરવું પડશે ઓર પ્રોપર રેડ્યુસિંગ એજન્ટ એની અંદર તમે એડ કરો, તો એ રેડ્યુસિંગ એજન્ટ છે એ આપણી મોલ્ટન ફોર્મમાં ઓર સોલ્યુશન ફોર્મમાં જે તમારી મેટલ આયન છે એ મેટલ આયનનું રિડક્શન કરી શકશે। ઓકે, તો ફ્રેન્ડ્સ, આના માટે આપણે થર્મોડાયનેમિક એન્ડ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ બંનેનું કોમ્બિનેશન કરવું પડશે। ચલો, બંનેનું કોમ્બિનેશન કરવા માટે એક ફોર્મ્યુલા છે, વિચ આર કમ્બાઈન્ડ ધ થર્મોડાયનેમિક એન્ડ ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી, વિચ આર ધ ફોર્મ્યુલા, ઇટ ઇઝ આ ડેલ્ટા ઝી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એન એફ ઈ ઝીરો, ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન વિચ કમ્બાઈન ધ થર્મોડાયનેમિક પ્રિન્સિપલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ। ઓકે, ક્યાંક એમસીક્યુનો ક્વેશ્ચન પૂછાય કે ભાઈ વિચ ઇક્વેશન ઇઝ યુઝફુલ અથવા તો ઇઝ યુઝ
टू कम्बाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल एंड थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल. तो याद रखवानो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सी. ओके सो हियर इन द रिडक्शन ऑफ द मोल्टन मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस इज द राइट. मोल्टन मेटल सॉल्ट में मेटल से रिडक्शन करव है तो इलेक्ट्रोलिसिस करव पड़े. सच मेथड्स आर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल विच वुड बी अंडरस्टूड बाय द इक्वेशन. मैं तुमने कहा कि दिस इक्वेशन इट इज नथिंग बट कंबाइन आ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक विच इज डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो. ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझी गए वेर डेल्टा जी जीरो इज नथिंग बट आ गिब्स एनर्जी. डेल्टा जी जीरो इज अ गिब्स एनर्जी गिब्स एनर्जी चेंज. ओके हियर डेल्टा जी जीरो इज अ गिब्स एनर्जी चेंज. एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एफ इज इक्वल टू फेराडे. इट्स वैल्यू इज 96500 कूलम. एंड ई जीरो इट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रेडॉक्स कपल फॉर्मेड इन द सिस्टम. अपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाई एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड एंड कैथोड एनोड और कैथोड पर जो तमे इलेक्ट्रोड यूज कराया हो इलेक्ट्रोड ना रिडक्शन पोटेंशियल नो डिफरेंस दैट इज कॉल्ड एज अ ई जीरो. दैट इज कॉल्ड एज अ ई जीरो. इट मीन्स अहीं आपणे डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो आ फॉर्म्यूला ने यूज करी अने मोल्टन मेटल अथवा तो सोल्यूशन फॉर्म में जो मेटल पर ये मेटल माथी केवी रीते तमे आयन माथी केवी रीते मेटल नो रिडक्शन करशो ये आनी ऊपर थी आपने खबर. चलो नाउ फ्रेंड्स हाउ वी कैन अंडरस्टूड द रिडक्शन बाय दिस फॉर्म्यूला. तो फ्रेंड जो आ फॉर्म्यूला नी अंदर आपणे कोई पण सपोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाव ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मोल्टन मेटल अथवा तो सॉल्यूशन फॉर्म में मेटल छे में रिडक्शन करो तो तमे ये मैनेजमेंट अथवा तो ये आखी जो सीस्टम बनाव ये सीस्टम के रीते मेंटेन करवा. तो फ्रेंड्स ये सीस्टम मेंटेन करवा माटे आपणे ए सेल जो बनाई ए सेल ना डेल्टा जी की वेल्यू ऑलमोस्ट नेगेटिव तमारे मेंटेन करवा. बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक इफ द डेल्टा जी वेल्यू ऑफ द सेल इज अ नेगेटिव देन एंड देन ओनली द रिएक्शन विल अकर इन आ स्पॉन्टेनियस एंड अकर इन आ फॉरवर्ड डिरेक्शन. ओके सो तमारे एवी सीस्टम प्रिपेर करवानी कि जे सीस्टम नी अंदर डेल्टा जी छे ऑलमोस्ट केवो बने तो नेगेटिव. नाउ फ्रेंड्स डेल्टा जी नेगेटिव के रीते मेंटेन तो याद रखो डेल्टा जी नेगेटिव मेंटेन करवा माटे आपणे सॉल्यूशन जे सेल बनाव्यो छे ए सेल नो ई जीरो सेल छे एना पॉजिटिव मेंटेन करवो. बिकॉज ऑफ फॉर्म्यूला नी अंदर इफ द ई जीरो विल बिकम अ पॉजिटिव देन एंड देन ओनली द डेल्टा जी विल बिकम अ नेगेटिव. इट मीन्स कि तमारे डेल्टा जी नेगेटिव मेंटेन करवो होय तो ई जीरो छे इट मस्ट बी पॉजिटिव. नाउ हाउ इट इज बिकम पॉजिटिव तो ई जीरो पॉजिटिव तमारे मेंटेन करवो होय तो आपणे जे सेल बनाव्यो छे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड माटे जे तमे इलेक्ट्रोड चूज करो छो एना रिडक्शन पोटेंशियल नी वेल्यू हायर लेवानी. एनोड तरीके तमे जे चॉइस करो छो एना रिडक्शन पोटेंशियल नी वेल्यू लोअर लेवानी. ओके कैथोड तरीके जे यूज करीए आपणे एना रिडक्शन पोटेंशियल नी वेल्यू केवी होय हायर एंड एनोड तरीके जे चॉइस करशो एनो रिडक्शन पोटेंशियल केवो हशे तो लोअर हशे. तो ऑलरेडी ई जीरो सेल छे अल्टिमेटली इट विल बिकम अ पॉजिटिव बिकॉज ऑफ व्हाट इज ई जीरो सेल. ई जीरो सेल इज इक्वल टू ई जीरो कैथोड. आपणे आगे ई जीरो सेल तमने समझाई दे ई जीरो सेल इज इक्वल टू ई जीरो रिडक्शन कैथोड माइनस ई जीरो रिडक्शन कैथोड राइट. सो अहीं तमे कैथोड पर एवा रिडक्शन इलेक्ट्रोड चॉइस करवानो के जेना रिडक्शन पोटेंशियल नी वेल्यू हायर होय एनोड पर एवो चॉइस करवानो जेना रिडक्शन पोटेंशियल नी वेल्यू लोअर होय तो तमने आ बन्ने नो डिफरेंस छे इट विल बिकम अ पॉजिटिव. एंड इफ द ई जीरो सेल विल बिकम पॉजिटिव देन अल्टिमेटली डेल्टा जी विल बिकम अ
negative, and if the delta G will become a negative, then and then the reaction will go in a forward direction and the reaction will take place spontaneously. Okay, so this is called as electrochemical principle. I electrochemical principle apne apply karwana ki cell che spontaneous kyare kaam karse, to delta G must be keep negative. How to keep negative? By keeping a E0 cell positive. How to keep the E0 cell positive? So by choosing these two electrode, one which on the cathode it has a reduction potential value higher, and at an anode which has a reduction potential value is a okay. तो तमारी reaction से spontaneous. Now friends, एकदम reactive metal, एकदम reactive metal हो, suppose sodium छे, मैग्नेशियम छे, अभी एकदम वधु मोर रिएक्टिव मेटल छे, एनु रिडक्शन छे, ए बहु पॉसिबल नथी. पॉसिबल नथी मीन्स के एना माटे एवो इलेक्ट्रोड चॉइस करो एक थोड़ो अघरो पड़शे. बट जे लेस रिएक्टिव मेटल छे, सपोज कॉपर छे, हवे कॉपर नो मारे रिडक्शन करवू छे, तो कॉपर नो रिडक्शन करवू होय तो कॉपर ना रिडक्शन माटे कॉपर ना सोल्यूशन नी अंदर सपोज कॉपर सल्फेट छे, तो कॉपर सल्फेट नी अंदर कॉपर मेटल छे केते जीना फॉर्म ऑफ आ आयन. नाउ कॉपर सल्फेट माथी मारे कॉपर नो रिडक्शन करवू होय तो कॉपर करता मोर रिएक्टिव मेटल, कॉपर करता मोर रिएक्टिव मेटल व्हिच इज पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, राइट. कॉपर नो जो मारे एना सॉल्यूशन माथी रिडक्शन करवू होय तो कॉपर करता मोर रिएक्टिव मेटल छे ए हूँ एना सॉल्यूशन नी अंदर जो मूकी दो तो शू थशे, मोर रिएक्टिव मेटल छे इट विल गो ऑक्सीडाइज एंड इट विल गो इन द सॉल्यूशन, एंड लेस रिएक्टिव मेटल इट मीन्स के द कॉपर, कॉपर विल डिपोजिटेड ऑन द दैट इलेक्ट्रोड और एट कैथोड. ओके, इट मीन्स कि जो तमे लेस रिएक्टिव मेटल छे, लेस रिएक्टिव मेटल छे एनु रिडक्शन करवू होय तो तमार एनोड तरीके एना करता मोर रिएक्टिव मेटल छे के चॉइस. तो अल्टिमेटली जो तमे एनोड तरीके मोर रिएक्टिव मेटल चॉइस करशो तो E0 सेल अल्टिमेटली पॉजिटिव थी जशे, एंड इफ द E0 सेल विल बिकम अ पॉजिटिव देन द डेल्टा जी ऑलमोस्ट बिकम अ नेगेटिव, राइट. सो आपणे सेल एवी रीते प्रिपेर करवानो जेनु तमारे मेटल मोल्टन मेटल माथी अथवा तो सॉल्यूशन माथी रिडक्शन करवू छे एना करता मोर रिएक्टिव मेटल एनी अंदर गोठवी दो, एना करता मोर रिएक्टिव मेटल एनी अंदर तमे गोठवी दो तो इजीली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस पण थाय एंड डेल्टा जी नेगेटिव पण मळशे. सपोज कॉपर नो मारे रिडक्शन करवू छे तो कॉपर नी अंदर हूँ आयन मूकी शकू, ZN मूकी शकू, एल्युमिनियम मूकी शकू, मेग्नेशियम मूकी शकू, राइट. कोई पण बिकॉज ऑफ बाकी नी जितली पण मेटल छे बधी ज कॉपर करता मोर रिएक्टिव छे. याद राखो जेना रिडक्शन पोटेंशियल नी वेल्यू लोअर होय दैट विल बिकम अ मोर रिएक्टिव. समझो जेना रिडक्शन पोटेंशियल नी वेल्यू केवी होय, लोअर होय दैट विल बिकम अ मोर रिएक्टिव. सो तमारे कोनो रिडक्शन करवू छे एनु रिडक्शन करवा माटे एना करता मोर रिएक्टिव मेटल छे एना सॉल्यूशन मां तमारू मूकी दे. तो लेस रिएक्टिव मेटल छे, लेस रिएक्टिव मेटल नु एना सॉल्यूशन मां थी शू थई जशे रिडक्शन थशे, एंड मोर रिएक्टिव मेटल छे इट विल गो इनटू द सॉल्यूशन, राइट. तो आ प्रमाणे दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल. એટલે કે તમારા સેલ માં રિએક્શન થવા માટે આ પ્રમાણેની જે ચોઈસ છે એ ચોઈસ છે એ આપણને ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ માંથી મળશે. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે કોપર સોલ્યુશન માંથી કોપર નું રિડક્શન કરવું હોય તો તમે Fe, ZN, Al, Mg કોઈ પણ મેટલ એની અંદર તમે મૂકો તો કોપર નું રિડક્શન પોસિબલ છે. બટ સપોઝ કોપર નું રિડક્શન કરવાનું Ag એની અંદર એડ કરો, Ag નો ઇલેક્ટ્રોડ મૂકી દો તો રિએક્શન થાય, રિએક્શન થાય. વાય? Because of Az it is nothing but a less reactive than that of the copper. Az less reactive banche, so e less reactive hoy to kadi kon copper solution ma thi copper nu reduction kari sakse nahi. So yaad rakhvanu ki copper nu reduction karvu hoy to ena karta more reactive metal j tamar eni andar. So aa pramane
थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल है आ प्रमाण अपने काम नौ फ्रेंड्स इना कॉमन रिएक्शन्स आप बड़ी आग जुई है। ये कॉमन रिएक्शन की अंदर मेटल आयन है, ये मेटल आयन से मोल्टन फॉर्म में आप रिडक्शन करव हो तो आप आग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझी गया कि एना सीम्पल इलेक्ट्रोलिसिस द एम ए एन प्लस आयन आर डिस्चार्ज एट अ कैथोड और नेगेटिव आयन एंड डिपोजिटेड राइट। सीम्पल इलेक्ट्रोलिसिस की अंदर ऑलवेज मेटल आयन है ये कैथोड पर डिपोजिट थे मीन्स के एनु रिडक्शन थे। समटाइम जो मेटल आयन हो अथवा तो मेटल आयन है एनु तमारे इलेक्ट्रोलिसिस करव हो तो ये मेटल आयन है ये मेटल आयन है एने तमारे मोल्टन फॉर्म में ले जाव पड़े। मोल्टन फॉर्म में ली जाने तमारे हायर टेम्परेचर एने गरम करव पड़े बिकॉज ऑफ एने तमारे मेल्ट करव तो एट वेरी हाई टेम्परेचर एने गरम करव पड़े तो शू करव पड़े समटाइम एनी अंदर फ्लक्स एड कर एड कर फ्लक्स फ्लक्स इज अ सबस्टन्स विच इज रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट ऑक्साइड मेटल ओके। सो ए फ्लक्स ए फ्लक्स तमे एनी अंदर एड कर दो तो एनु मेल्टिंग पॉइंट है डिक्रीज थाय मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज थाय तो एनी कंडक्टिविटी है इट विल इंक्रीज कंडक्टिविटी इंक्रीज थाय तो ज एनु इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल अदरवाइज नॉट। तो चलो आ प्रमाण मैं तमने जे समझायुं एटली मेटर आपने मैं लखी छे समझी लो। मोर रिएक्टिव मेटल हैव अ लार्ज नेगेटिव वेल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सो द रिडक्शन इज आ सो डिफिकल्ट। इफ द डिफरेंस ऑफ टू ई जीरो वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड टू पॉजिटिव ई जीरो एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा जी विल बिकम अ नेगेटिव देन द लेस रिएक्टिव मेटल विल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोर रिएक्टिव मेटल विल गो इन टू द सॉल्यूशन। एक्जाम्पल आप CU2+ सॉल्यूशन में जो Fe एनी अंदर मैं एड करूँ तो Fe इट विल गो इन टू द सॉल्यूशन इट विल बिकम Fe2+ आयन एंड CU2+ विल रिड्यूस एंड कम इन टू द CU सॉल्यूट राइट इट विल कम टू द फॉर्म ऑफ CU सॉल्यूट। सो आ प्रमाण इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल है ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल यूज कर अपने मोल्टन फॉर्म में अथवा तो सॉल्यूशन फॉर्म में जो मेटल आयन हो मेटल आयन कैन रिड्यूस ओके अथवा आप रिडक्शन कर सकिए। आ प्रिंसिपल यूज कर अपने के मेटल से ये मेटल आप रिडक्शन करीशू तक एक बे एक्जाम्पल आपूँ छूँ आप बुक में एंड मोस्ट इम्पोर्टंट एक्जाम्पल है ये खास समझवा ओके। नाउ फ्रेंड्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल यूज कर मैं तमने हमें कहूँ कि आप एल्युमिनियम एक्सट्रेक्शन केव रीते इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल यूज करें एक्जाम्पल आप समझिए मोस्ट इम्पोर्टंट एक्जाम्पल है क्वेश्चन तो ना पूछा है एक्सट्रेक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिना अत्या क्यों 3 मार्क्स क्वेश्चन है एक्सट्रेक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिना मोस्ट इम्पोर्टंट से कम्पलसरी तैयार करवा। चलो नाउ फ्रेंड्स एल्युमिना में एल्युमिनियम मैं एक्सट्रेक्शन करवे रिडक्शन करवे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एल्युमिना एल्युमिना है ये एल्युमिना लीचिंग करव नाउ आप आगे कॉन्सनट्रेशन मेथड थी ये कॉन्सनट्रेशन मेथड की अंदर आप बॉक्साइट में एल्युमिना लीचिंग आप आग समझी लीधे तो चलो ये लीचिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर एल्युमिना है ये आप एक्सट्रेक्ट करवा नाउ प्योर एल्युमिना एक्सट्रेक्ट कर पीछे एल्युमिना में आप एल्युमिनियम रिडक्शन नाउ फ्रेंड्स एल्युमिना में एल्युमिनियम रिडक्शन करव हो तो कम्पलसरी वी हेव टू डू इलेक्ट्रोलिसिस वी हेव टू यूज द इलेक्ट्रोलिसिस मेथड एंड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड जो आप यूज करनी हो तो वी हेव टू अप्लाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ओके। तो चलो हाउ इट इज कैरिड आउट तो फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एक्सट्रेक्शन ऑफ एल्युमिनियम प्योरिफाइड Al2O3 एल्युमिना इज मिक्स विथ Na3AlF6 और CF2 Na3AlF6 विच इज कॉल्ड एज अ क्रायोलाइट एंड CF2 विच इज कॉल्ड एज अ कैल्शियम फ्लोराइड
YAL2O3 is mixed with cryolite or calcium fluoride. So cryolite and calcium fluoride, which are act as a flux and which will reduce the melting point of AL2O3. Because of आपने जो electrolysis करूँ है तो એમાંથી conductance अथवा तो current है pass करो. अब AL2O3 है, it is in a solid form. So friends, सौथी पहला आपने ना molten form में convert करूँ. अब molten form में convert करूँ है तो એનું melting point है, it is too high. So we have to reduce the melting point of the AL2O3, and for reduction of the melting point, we have to use a sodium cryolite or sodium aluminium fluoride, that is called as a cryolite or calcium fluoride. Okay, which will reduce the melting point of the AL2O3. It means it is a mixed as a flux. Okay, so Na3LF6 or CF2, which lower the melting point of the mixture and bring a conductivity. Okay, because of the melting point down thai, melt thai jai, then amati conductivity chai pass. Now friends, aaj ye badu matrix a mixture chai. That mixture, the fused matrix is then electrolysis. Pachi tamane no electrolysis. Now friends, electrolysis karo amati, apne ek specific cell ano prepare karo. चलो એનો સ્પેસિફિક સેલ કેવી રીતે પ્રિપેર કરવાનો તો જો હું તમને ડાયરેક્ટ ફિગર આમાંથી બતાવી દઉં છું બીકોઝ ઓફ માય ફિગર દોરવાની આપણી જોડે જગ્યા ઓછી છે તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ એની ફિગર માં જુઓ ફોર ઇલેક્ટ્રોલિસિસ સ્ટીલ વેસલ વિથ અ લાઇનિંગ કાર્બન એઝ અ એક્ટ એઝ અ કેથોડ એન્ડ ગ્રેફાઇટ એનોડ ઇઝ યુઝ્ડ ઓકે ચલો અહીં તમે ફિગર માં જુઓ તમને દેખાશે ફિગર ની અંદર फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AL2O3 आ प्रमाणे नो स्पेसिफिक आपणे इलेक्ट्रोलिटिक सेल प्रिपेर कर्यो छे आ इलेक्ट्रोलिटिक सेल नी अंदर जो आ सेल नी अंदर जे बार नो जे तमने देखाय छे आ जे लाइनिंग करेलो भाग छे दिस इज अ स्टील वेसल ए स्टील वेसल नी अंदर आ जे तमने लाइनिंग देखाय छे इट इज अ नथिंग बट अ लाइनिंग ऑफ कार्बन राइट सो स्टील वेसल विथ अ कार्बन लाइनिंग विच इज एक्ट एज अ कैथोड विच इज एक्ट एज अ કેથોડ નાઉ ફ્રેન્ડ્સ અહીં જો અહીં તમને આ જે ઊભા દેખાય છે ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ અ કાર્બન રોડ વિચ ઇઝ એક્ટ એઝ અ એનોડ વિચ ઇઝ એક્ટ એઝ અ એનોડ ચલો આ બધા જ કાર્બન રોડ છે એ બધા જ કાર્બન રોડને કમ્બાઈન કરી એને બેટરીના પોઝિટિવ ઇલેક્ટ્રોડ સાથે એન્ડ આપણું જે વેસલ છે સ્ટીલ વેસલ એ બેટરીના નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોડ સાથે આપણે એટેચ કરવાનું સો ધીસ ઇઝ એક્ટ એઝ અ કેથોડ and negative electrode this is act as a anode and positive electrode okay now ani andar je electrolyte apne je matrix che al2o3 plus na3alf6 e mixture che e mixture ani andar tamare add karvanu chalo mixture add karya pachi ahi jo tame mixture add kari and emathi electricity pass karsho re shu thase to ahi electrolysis thase electrolysis thavana karane shu thase to aluminium che aluminium will reduce at the bottom on the surface of a carbon cathode samajho aluminium che e je cathode che carbon apne je lining karelu che e lining karela carbon par aluminium che it will reduce aluminium will reduce and at a very high temperature the reaction is carried out why because of delta g must be maintained negative so the reaction is carried out at a very high temperature so the reduced aluminium is obtained in a molten form and the reduced aluminium ene bar kadva mate here outer for the aluminium there is a nozzle or provision of the in the cell to come out the aluminium in a molten form aluminium na molten form ni andar bar kadva mate aa prakar nu provision eni andar karelu chhe okay so friends aa prakar ani એની જે મિકેનિઝમ છે એ મિકેનિઝમ આ પ્રમાણે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું તો ચલો ફોર ઇલેક્ટ્રોલિસિસ સ્ટીલ વેસલ વિથ અ લાઇનિંગ કાર્બન એક્ટ એઝ અ કેથોડ એન્ડ ગ્રેફાઇટ એનોડ ઇઝ ઓકે નાઉ ફ્રેન્ડ્સ ઇન ધ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ ધ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ્સ આર યુઝ્ડ સો ધેટ ધ સિસ્ટમ ફોર્મેટ ઇઝ સચ ધેટ ધ વેલ્યુ ઓફ ડેલ્ટા જી બીકમ અ મોર સો એના માટે શું કરવું પડશે વેલ્યુ ડેલ્ટા જી ની મોર નેગેટિવ મેન્ટેન કરવા માટે આપણે કાર્બન છે એને એનોડ તરીકે આપણે ચોઇસ કરવો પડશે બીકોઝ
एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ना रिडक्शन पोटेंशियल नी वेल्यू कार्बन करता लेस इट मीन्स के नेगेटिव है, सो इजीली एनु रिडक्शन कार्बन से करी सकते. एंड द टेम्परेचर ऑफ द सेल विल बी टू हाई सो दैट द डेल्टा जी विल बिकम इजीली नेगेटिव एंड द रिएक्शन विल गो स्पॉन्टेनियस. ओके, देन फॉर इलेक्ट्रोलिसिस हाई टेम्परेचर इज मेंटेन्ड. एल्युमिनियम मेटल इज ऑब्टेन्ड ऑन द ग्रेफाइट कैथोड. अपने मैं कहता हूँ कि नीचे जी ग्रेफाइट स्टील नो जी आप वेसल छे कि जेना पर ग्रेफाइट नो लाइनिंग छे, एल्युमिनियम छे एक ग्रेफाइट लाइनिंग पर रिडक्शन तो सेम बाय रिडक्शन इट इज बीइंग इन अ मोल्टन स्टेट. याद रखियो एल्युमिनियम छे मोल्टन स्टेट मां ज मरसे आपने एट द हाई टेम्परेचर बिकॉज़ ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सेल इज वेरी हाई. एल्युमिनियम कम्स आउट इन द लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द होल इन द लोअर पार्ट ऑफ द सेल. मैं तुमने जो फिगर में बतायो लोअर पार्ट में एक होल है कि जहां की लिक्विड एल्युमिनियम है इट विल कम आउट फ्रॉम द सेल. नाउ फ्रेंड्स इन दिस सेल कार्बन फंक्शंस एज अ रेडिशिंग एजेंट. जे आपने लाइनिंग करेलो कार्बन छे स्टील वेसल पर इट विल रिएक्ट एज अ रेडिशिंग एजेंट. नाउ द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ दिस सेल इज आर ट्वाइस Al2O3 प्लस 3 कार्बन गिव्स 4Al प्लस 3O2. 4Al प्लस 3O2 दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ दिस सेल. नाउ फ्रेंड्स आ सेल ની અંદર એલ્યુમિનિયમ નું તો રિડક્શન થઈ બટ એલ્યુમિનિયમ નું રિડક્શન થાય Al2O3 જે હતો આપો Al2O3 ની અંદર એલ્યુમિનિયમ હતો એ Al3 પ્લસ આયન તરીકે એક્ઝિસ્ટ હતો બટ સાથે ઓક્સિજન પણ એની અંદર એક્ઝિસ્ટ. सो ऑक्सीजन छे ऑक्सीजन O2 माइनस आयन क्या O2 माइनस आयन तरीके एनी अंदर एक्टिव. सो ऑक्सीजन नु શું થશે તો ફ્રેન્ડ્સ યાદ રાખો એ જે ઓક્સિજન છે એ ઓક્સિજન આપણે જે તમને એનોડ બતાયા અહીં આપણે ફિગર ની અંદર કઈક આ એનોડ છે ઓક્સિજન છે આ એનોડ સાથે રિએક્ટ કરશે એન્ડ એનોડ સાથે રિએક્ટ થઈ ઓક્સિજન છે એ કાર્બન મોનોક્સાઇડ પ્લસ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બનશે. इट मीन्स ऑक्सिजन एनोड साथ रिएक्ट कर तो एनोड पर जो कार्बन इलेक्ट्रोड मुकेला है ये कार्बन इलेक्ट्रोड से इट विल बी यूज्ड. ओके, सो इट विल डिक्रीज एज द रिएक्शन गोइंग ऑन राइट. सो आई लो द ऑक्सीजन लिबरेट एट द एनोड रिएक्ट विद द कार्बन ऑफ द एनोड प्रोड्यूसिंग CO एंड CO2. ऑक्सीजन है ये एनोड पर कार्बन साथ रिएक्ट थी कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना से. दिस वे ईच किलोग्राम ऑफ एल्युमिनियम याद रखियो ईच किलोग्राम ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस अबाउट 0.5 किलोग्राम ऑफ कार्बन एज एनोड. याद रखियो रिएक्शन के अंदर 1 किलोग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूस करवा माटे हाउ मच 0.5 किलोग्राम ऑफ कार्बन इज कंज्यूम. ओके, so 0.5 किलोग्राम ऑफ कार्बन एनोड इज बर्न्ड. એટલે સમટાઇમ તમને આમાં આવો પણ એક રીઝન પૂછાય કે વાય ધ કાર્બન એનોડ શુડ બી ચેન્જ ઇન્ટુ ધ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ ઓફ ધ એલ્યુમિનિયમ. કેમ એના ચેન્જ કરવા પડશે તો વાય બીકોઝ ઓફ કાર્બન એનોડ વિલ રિએક્ટ વિથ ધ ઓક્સિજન એન્ડ ઇટ વિલ બર્ન. ઓકે, સો ધ કન્ટેન્ટ ઓફ કાર્બન વિલ ડિક્રીઝ એઝ ધ રિએક્શન ગોઈંગ. So now what is the reaction at anode and cathode? So at a cathode Al3 plus plus 3 electron will give aluminium and at a anode carbon will oxidize with O2 minus ion then it will form CO plus 2 electron and if it oxidize with 2O2 minus it will convert it to the CO2 plus 4. Okay, so friends આ પ્રમાણે एल्युमिना छे एल्युमिना माथी एल्युमिनियम ने एक्सट्रैक्शन आपणे इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल यूज करी इलेक्ट्रोलिसिस मेथड ने यूज करी आपणे करी शकीए. आटली वस्तु खास तमारे नोट करी लेवानी एंड एनी फिगर पण कम्पलसरी तमारे ड्रॉ करवानी एग्जाम नी अंदर कम्पलसरी फिगर पण आपणे पूछे. ओके, तो आटली वस्तु आमाथी खास तमारे ध्यानमां राखवानी छे. Now friends, there is another example of electrolysis is extraction of copper
फ्रॉम लो ग्रेड ओर एंड स्क्रैप्स। कॉपर नो लो ग्रेड ओर में एक्सट्रेक्शन जो तुम करो दैट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ फ्रेंड्स हाई क्वालिटी कॉपर क्या रखो हाई क्वालिटी और हाई ग्रेड ओर है कॉपर की के जेमाथी आपणे कॉपर नु एक्सट्रेक्शन करवू छे एना माटे आपणे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल नो आपणे यूज करीए जे आगळ आपणे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल में एनुं एक्जाम्पल समजी लईए। नाउ हाई क्वालिटी ओर एंड लो क्वालिटी ओर मीन्स वॉट हाई ग्रेड क्वालिटी ओर मीन्स के जेमाथी आपणे मेक्सिमम अमाउंट में मोर अमाउंट में कॉपर मळे दैट इज कॉल्ड एज आ हाई ग्रेड क्वालिटी ऑफ ओर। एंड लो ग्रेड क्वालिटी एटले के एमाथी आपणे ओर छे ए लेस अमाउंट में मिलते। ओके सो जो हाई ग्रेड कॉपर है एनी ओर है यू तमारे एक्सट्रेक्शन करव हो तो आप आगे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल बराबर कॉपर पायराइट में के रीते अपने कॉपर ने एक्सट्रेक्शन करूँ ये अपने आगे डिस्कस कर। तो हवे अही लो क्वालिटी ओर तो लो ग्रेड ओर है यहाँ के एक्सट्रेक्शन कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लो ग्रेड ओर जो है कॉपर की ये लो ग्रेड ओर फर्स्ट स्टेप अंदर लीचिंग करवा शू करवा लीचिंग। हम लीचिंग करने आप आग समझा था कि एने प्रॉपर सॉल्वेंट अंदर डिजोल्व। नाउ फ्रेंड्स हियर द प्रॉपर सॉल्वेंट इज यूज्ड एसिड राइट एसिड से ये प्रॉपर सॉल्वेंट तरीके यूज करे। सो अहीं तमारे प्रॉपर सॉल्वेंट तरीके एसिड यूज करवानो ये एसिड नी अंदर आ कॉपर ओर छे एने डिजोल्व कर देवानी। डिजोल्व थई जाय पछी तमारे एमांथी ए सॉल्यूशन जे छे ए सॉल्यूशन छे एने लई अने ए सॉल्यूशन नो रिडक्शन कर देवानी जे आपणे आगळ लीचिंग नी अंदर जे मेथड समझ्या छो तमे सेम वस्तु अहीं करवानी। सो ए सॉल्यूशन जो तमारो आई कि जेनी अंदर एसिड नी अंदर डिजोल्व कॉपर आयन आई गयो हवे ए कॉपर आयन के जे एसिड नी अंदर छे ए कॉपर आयन नो पछी तमे रिडक्शन करो। रिडक्शन कोनाथी थशे तो रिडक्शन छे आइधर आयन स्क्रेप थी करी शको और एच टू गैस थी करी शको बिकॉज ऑफ आयन स्क्रेप और एच टू गैस बोथ आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द कॉपर। ओके सो दे केन बी रिड्यूस द कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। सो तमे एवा आयन स्क्रेप और एच टू गैस एने तमे ए कॉपर सॉल्यूशन में पास करशो एटले कॉपर नो रिडक्शन थशे एंड सपोज एच टू गैस पास करशो तो एच टू गैस नो ऑक्सीडेशन। ओके दीस मेथड इज नोन एज अ हाइड्रोमेटलर्जी। दीस मेथड इज नोन एज अ हाइड्रोमेटलर्जी एंड आ मेथड नी अंदर पण इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल छे एनो यूज थशे। ओके सो फ्रेंड्स कॉपर इज एक्सट्रेक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड ओर इट इज लीच आउट यूजिंग एसिड और बैक्टेरियम। द सॉल्यूशन कंटेनिंग Cu2+ इज ट्रीटेड विथ स्क्रैप आयन और एच टू राइट। हियर द रिएक्शन इज गिवन Cu2+ आयन विच इज द सॉल्यूशन फॉर्म देन यू विल रिड्यूस विद द एच टू गैस सो द एच टू गैस विल कन्वर्टेड टू द एच प्लस आयन इट मीन्स इट विल ऑक्सीडाइज एंड द Cu2+ आयन विल रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ Cu सॉलिड। ओके एंड वी कैन गेट अ Cu सॉलिड। ओके सो फ्रेंड्स लो ग्रेड कॉपर ओर माथी कॉपर ने एक्सट्रेक्शन करवू होय देन आ रिएक्शन छे ए इज मोर यूजफुल एंड द मेथड इज नोन एज अ हाइड्रोमेटलर्जी। मेथड इज नोन एज अ हाइड्रोमेटलर्जी। ओके सो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल क्या यूज करवाना एना एक्जाम्पल्स क्या छे आ प्रमाणे तमारे याद राखवानुं। नेक्स्ट टाइम में आपणो लास्ट जे कंसेप्ट बाकी छे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नेक्स्ट लेक्चर की अंदर आप ये कंसेप्ट पर क्लियर करके। ओके सी के बिना